नाम पर जमीन थी। तो मैं ये कह रही कि देश की जो जनता है बेचारी इतनी परेशान है, महंगाई इतनी उछाल मार रही है, तो ये जो मंत्र है जो दो रुपए का कोई चीज है या 2000 की कोई चीज, वो 18 में हो जावे, तो ये सब बैठ के नेशनल टीवी पे नेशनल मीडिया पे देश की जनता बना रहे हैं। भगवान राम को किसकी औकात है जो भगवान राम को घर देगा? भगवान सबको घर देता है, भगवान सबका भला करता है, हम तो ऐसा सुन रहे हैं शुरू से ही। लेकिन अभी इन्होंने आके 6-7 साल से ऐसा सुआ लगा दिया, बिल्कुल हद कर दी। दूसरी बात, सब ऐसे ये क्या कर रहे हैं, ये राम मंदिर, भगवान राम चिल्ला चिल्ला के वोटिंग ले रहे थे, नहीं ले रहे थे, अब ये देश देख रहा, दुनिया देख रही। और मैं तो अनुरोध करती हूँ प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और देखो इसमें कितने लोगों का इन्वॉल्व है इस मैटर में, देखो ज़्यादातर कितने लोग हैं, यही लोग हैं ना जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं। तो मैं तो इन सभी नेताओं से अनुरोध करती हूँ कि 230 रुपये का सरसों का तेल हो गया है, और वो 15-20 रुपये की होगी नमक की थैली, पहले आ गई 5 रुपये की, तो ऐसा इन्होंने कौन सा मंत्र पढ़ा जो 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ से 18 करोड़ में वो इनकी तब्दील हो गई प्रॉपर्टी जो राम मंदिर के नाम पे जमीन थी। तो मैं ये कह रही कि देश की जो जनता है बेचारी इतनी परेशान है, महंगाई इतनी उछाल मार रही है, तो ये जो मंत्र है जो 2 रुपए का कोई चीज़ है या 2000 की कोई चीज़, वो 18 में हो जावे, तो ये सब बैठ के नेशनल टीवी पे नेशनल मीडिया पे देश की जनता को भी दे, भाई जनता का भला होएगा तभी तो उस देश के राजा का नाम होएगा। अब ऐसे थोड़ी कि अपनी अपनी कर ली इन्होंने, पहले से ही बता रहे हम तो जितने ये पैसे आए हैं राम मंदिर के नाम से दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं। अब भगवान राम को किसकी औकात है जो भगवान राम को घर देगा? भगवान सबको घर देता है, भगवान सबका भला करता है, हम तो ऐसा सुन रहे हैं शुरू से ही। लेकिन अभी इन्होंने आके 6-7 साल से ऐसा सुआ लगा दिया, बिल्कुल हद कर दी। दूसरी बात, इसे बता मैं कि 10 मिनट में ऐसा क्या काम हुआ जो एकदम से वो उछाल इतनी तेज मारा, उन्हें जंप इतनी तेज करी, आज तक नहीं देखो, पूरा रिकॉर्ड उठा के देखो आप, इतिहास उठाओ, कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं होगा जो 10 मिनट में 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 18 की होगी। तो अनुरोध है प्रधानमंत्री मोदी जी से कि इस मूल मंत्र को उनके सरकार के लोग जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उस मंत्र को देश की जनता को दे, ताकि वे भी अमीर हो जाए। भैया देना चाहिए नहीं देना चाहिए? भाई तुम कहते हो जनता का साथ, सबका साथ, सबका विकास, तो करवाओ अब इन सबका भी विकास, या उन्हीं का भी विकास करवा दिया जिनकी प्रॉपर्टी तुमने बढ़वा दी, और जो प्लॉट जिनके नाम का एग्रीमेंट करवा दिया 10 मिनट में 18 करोड़ का, करवाओ अब जनता का भी विकास। यू ऐसा 2 घंटे में 2000 में 18 हजार हो जा तब्दील, इतनी महंगाई आज से पहले इतिहास गवाह है पूरा, आज से पहले भारत देश के अंदर शेयर मार्केट में कभी इतनी प्रोग्रेस नहीं देखी होगी आपने, तब जरा देवे जवाब और ये मंत्र देवे जनता को। भाई ट्रस्ट ये कह रहा है कि जो भी जितने भी आरोप लगे हैं वो राम मंदिर को निर्माण की रोक के लिए ये ऐसे अफवाह फैलाई जा रही है। एक बात बताओ, कौन चाहता है राम मंदिर ना बने? सब चाहते हैं। जब कोर्ट का फैसला हो गया, कोर्ट इनके हाथ, सरकार इनके हाथ, फिर कौन रोक देगा? भाई जनता इनके साथ राम मंदिर के मैटर में, भाई जनता तो कहती है बनाओ राम मंदिर, कौन रोक रहा? सब चीज इनकी सरकार, इनकी पावर, इनकी सत्ता, इनकी पैसा इनके पास, प्रॉपर्टी इनके पास, ये लोगों को भ्रमित करने के मारा ये इन्होंने जवाब दिया आपको खामोखा का कि ये राम मंदिर को रोक के वो करना चाह रहे हैं, बनाना नहीं चाहते। अरे हम तो कह रहे हैं तुम कल बनाओ, कल लगाओ पैसा, कल बनाओ मंदिर में, सहयोग जितने लोगों ने करा, जितने लगा लगा के तुम बिल्ले सरकार के, अरे तुम चंदा मांगते फिर रहे हो, सारे पैसे को लगाओ मंदिर में, तुम अपने आप क्यों चाटन लग रहे हो, उसे बनाओ, किसने रोका भाई? तो ये सिर्फ भ्रमित करने के लिए कह रहे हैं ऐसा, नहीं तो एक बात बताओ, इतनी बड़ी बात चल रही है पूरे देश में, कोई ऐसा तो है नहीं, मैंने ही बोल दिया, बहुत बड़ी मीडिया में भी चल रही है, जो निष्पक्ष पत्रकार हैं वो भी बोल रहे हैं, निष्पक्ष लोग हैं वो भी बोल रहे हैं, 2 करोड़ से 18 करोड़ कैसा हो गया, ठीक। तो ये इस बात को बैठ के बता ना कि कैसा हुआ, और इतनी फिक्र इन्हें हो रही है, तो कितने साल हो गए सरकार आए, 7 साल के करीब हो गए भाई, शुरू में ही कही थी इन्होंने राम मंदिर बनेंगे, अब तक क्यों नहीं बनाया ये बताओ? और जो लोगों का चंदा का पैसा था, जो चीज़ 2 करोड़ की थी वो इन्होंने 18 करोड़ वहां लगा दिए, और अपने आपस में कर लिए होंगे इन्होंने, तो ये ऐसे काम कर रहे भाई लगातार इस तरीके से, मतलब एक राम का नाम लेके इतना बड़ा जो घोटाला। लेकिन जनता बिल्कुल भी देश की मूर्ख नहीं है, देश जाग रहा है, जनता जाग रही है, सबसे बड़ी बात युवा जाग रहा, युवा को समझ में आ रहा, ये मोबाइल फोन करने के लिए ना होते हैं, ये सब चीज देखने के लिए भी हो क्या हो रहा। सबसे पहले तो हम तो भैया क्या कहते हैं, बहुत पहले हमने एक बात बता दी कि जिस टाइम इन्होंने पीएम फंड केयर जो था वो बंद करा था, जिसके आंकड़े लोग नहीं देख सकते थे, कितना लोगों ने दान दिया, कितना देश की सरकार को सहयोग करा, कितना देश के हित में लगा, कितना वो हुआ, इसको बंद करा था, हमें जब भी समझ जाना चाहिए था, हमारे बुजुर्ग तो समझ गए थे, हम लोग नहीं समझ पाए, ठीक है, ये मूर्खताई हम जैसे नहीं करी है, हमने करी है मूर्खताई। लेकिन अब देश जाग रहा, जनता जाग रही है, सबको पता क्या हो रहा, राम मंदिर के नाम पे शुरू से ही ये इस वोस को फैलाना चाह रहे, और इन्होंने देश को लूटा, देश की जनता को लूटा, सबसे ज्यादा किसानों की संख्या देश में है, देश के किसानों को लूटा, किस तरीके से लूटा, किस तरीके से बदहाली करी है। लोगों से मेरी अपील है, देश के किसानों से भी, आप किसी को बढ़ावा ना दें, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, किसी को भी आप बढ़ावा
बढ़ावा न देवे, बस आप इकट्ठे रहें, अपनी आवाज को बुलंद रखें। ये नहीं अगर मैं आपको गलत रास्ते पे ले जाऊं तो आप मेरा सहयोग करें, नहीं, आपको रास्ता वो देखना हजार बार, सोचना हजार बार कि इस रास्ते पर जा रहे हैं, आगे क्या क्या सही है क्या क्या गलत है, उस चीज को आप ध्यान में रखें। किसी के बहकावे ना आगे, बहुत आ लिए देश, बहुत नीचे जा लिया। देखो ना गरीबी रेखा में देश पहले कहां था, अब कहां है 2014 से पहले देखो कहां था। जो ये अंधभक्त हमें ज्ञान बांटना वे भी देखें, अब तुम्हारे चाचा ताऊ ना अंकल ना इतने इतने पैसे लुटा दिए राम मंदिर के नाम पे, उसे बता मैं, वे जवाब दे मैं। जिस तरीके से ये आरोपों का लगाए हैं, जिस तरीके से आप नेता संजय सिंह हैं और सपा के पूर्व मंत्री भी हैं, उन्होंने इस तरीके से आरोप लगाए, तो उसके बाद संजय सिंह आपके घर पे हमला भी हुआ है, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि मेरी जान को खतरा है, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखो कोई भी व्यक्ति जब, कोई सरकार जब सत्ता में होती है, मैं ये बात हजार बार बोल चुकी, मुझे फिर से दोहरानी पड़ रही, जब कोई सरकार सत्ता में होती है वो देश की जनता के साथ कुछ गलत करती है, ठीक, देश की जनता को प्रताड़ित करती है, तो विपक्ष का आना बोलना होता है, ठीक, इस चीज को सब सरकारों ने स्वीकारा जितनी भी अब से पहले सरकार रही, लेकिन जब जब इनकी सरकार आती है ये नहीं स्वीकारते, ठीक, अब ये उन्होंने बोला तो इतनी बड़ी बात बोली है पूरे देश के सामने, तो कुछ करके कुछ हुआ होगा कि जब ही तो इन्होंने बोला है, ठीक, तो ऐसी स्थिति कल को आपके साथ हो सकती है, आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, इनके साथ हो सकती है, मेरे साथ हो सकती है, इनके साथ हो सकती है, आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं, तो ये एक आवाज़ को दबाना डराना धमकाना, इस चीज़ का गवाह ये पूरा आंदोलन है, कितने लोगों को आंदोलन में डराया गया, कितने लोगों को धमकाया गया, कितने लोगों को सरकार द्वारा पीड़ित करवाया गया प्रशासन से, शासन का जब दबाव प्रशासन पर हुआ, प्रशासन भी दुखी होकर करने लगा इस काम को, इस चीज़ का गवाह ये आंदोलन है। उससे पहले कितने आंदोलन हुए, इनकी डर की मारी कोई आंदोलन भी ना, भैया एक बात बताओ, बदमाश आदमी तो सब डर है, ठीक है, लेकिन एक किसान ऐसा, इसमें इतनी हिम्मत है, इन्होंने इतना सम्मान देश को दिलवाया, यूं आंदोलन किसानों का जब चला तो हर व्यक्ति अपनी आवाज उठाने लगा, नहीं तो कौन उठा रहा भैया आवाज, ये बताओ, है डर है आदमी।